कोरोना के मामले में सारे सरकार एक समान है। कॉर्बेट रिपोर्ट में देख रहा था, कनाडा का सरकार का वेबसाइट पे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोकन डिजिटल आईडी और सर्वेलेंस, मतलब थोड़े अच्छे शब्दों में शुगर कोटेड वर्ड्स में लिखा है। सेम चीज़ रशिया का वेबसाइट पे भी है, सरकार का, रशियन प्रेसिडेंट के वेबसाइट पे, इवन चाइना का भी वेबसाइट पे सेम रहेगा, क्योंकि चाइना भी लॉकडाउन लगा के भ्रम मेंटेन कर रहा है। सेम कंटेंट सारे कंट्रीज का वेबसाइट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रैकिंग टोकन सब सरकार का वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। इसका कोई गुंजाइश नहीं, ये गधे लोग बोलते हैं अरे ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आए, डराओ मत, कुछ भी बोलते हो तुम। ये क्या है, उनके वेबसाइट पे लिखा है सरकारों के कि कैसे आगे बढ़ने का, तो ग्रेट रिसेट तो होके रहेगा। और इसमें अच्छी चीज़ें भी हो रही है कि ये लोग अभी ह्यूमन रोबोट्स बना रहे, ह्यूमन रोबोट्स बना रहे, वो सच्चा है, क्योंकि वो जो चिप्स है वो एक स्पेशल चिप्स बन रहा है जो सुपर फास्ट एआई होगा वो, और उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है क्लाउड पे। तो एक्चुअली ह्यूमन असिस्टेंट बनेंगे, आदमी जैसे लिखेंगे, लड़कियां, सारी लड़कियों के साथ जो काम कर सकते हैं वो उनके साथ भी कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंट भी रहेगी, हर भाषा में बात करेगी और ज्ञान का भंडार रहेगी, क्योंकि वो तो क्लाउड से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, मतलब अभी तुम रास्ता पूछोगे किधर कैसे जाऊँ तो वो बताएगी, रास्ता भी बताएगी, GPS भी होगी। तुम अगर मैथ्स का कैलकुलेशन बोलोगे कि अरे 6 लाख इंटू 25 लाख कितना होता है, तो कैलकुलेट करके देगी। तो एक्चुअल में ह्यूमनाइड्स बन रहे हैं, AI कनेक्टेड, विच इज़ ए गुड थिंग, विच विल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट। और जब ऐसे टूल्स अवेलेबल रहेंगे तो मैं घर पे बैठे प्लेन बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि लर्निंग कर्व लगता है उसमें, इंजीनियरिंग खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा AI असिस्टेंट रहेगा, ह्यूमनॉइड, जो मुझे इंजीनियरिंग का प्लेन का मॉडल भी बना के देगा, और एक 3D प्रिंटर रहेगा जो मुझे प्रिंट भी करके देगा सारे पार्ट्स, तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन टू लाइक प्रोग्रेस। लेकिन इसमें खतरा भी क्या है, विटामिन डाल के देने वाले बोलते हैं गेहूं में, चावल में, फोर्टिफाइड, तो वो थोड़ा बहुत उसमें धोखा है, अभी टोटल बोल नहीं सकते, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट फ्लेवर्स दे आर गोइंग टू ऐड इन वाटर, फूड ग्रेन्स, इंटेंशन नेक तो दिखते नहीं है, क्योंकि इनको अभी नॉर्मल लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑफकोर्स मेटावर्स भी बन रहा है, लेकिन एक बार पासपोर्ट के साथ सभी खड़े हैं, सारे सरकार पासपोर्ट और रेगुलर टोकन का बात करते हैं, दे कैन डिसाइड किसको रखना है और किसको ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग कराना है, सरकार कैन डिसाइड, क्योंकि तुम्हारा घर का एड्रेस, तुम्हारा आधार कार्ड उधर है, उनके पास है। उनको लगा अरे 50 साल के ऊपर के लोग किसी भी काम के नहीं, सारे वेस्ट है, तो चलो जरा 50 साल के लिए अलग टोकन बनाओ स्पेशल, फिर उनको अलर्ट करेंगे टोकन लेने का टाइम हो गया तेरा, आजा। दिस गिव्स टोकन पॉलिसी, पासपोर्ट गिव्स सरकार अल्टीमेट पावर, जब चाहे किसी को भी क्लाउड कंप्यूटिंग में भेज सकते हैं। इसलिए विराट कोहली का भ्रम में सब शामिल है, इवन रशियन गवर्नमेंट भी, चाइनीज गवर्नमेंट भी, कनाडा का गवर्नमेंट भी। वो ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इनके वेबसाइट पे ही लिखा है।